गुड मॉर्निंग। पार्शव इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। एट्थ क्लास, आप अपनी हिंदी की बुक निकालें। पाठ दो, लाख की चूड़ियाँ। पिछले वाले वीडियो में हमने आधा चैप्टर पढ़ा था, उसी के आगे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। सभी बच्चे आप अपने बुक में ध्यान दें। पेज नंबर 6, पैराग्राफ 2। बदलू मनियार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके परिवार में शुरू से यही काम किया जा रहा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। अभी तो हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में हम पैसे देते हैं, लेकिन जब वो चूड़ी बेचता था तो उसको लोग अनाज देते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था कि जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए नई पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। कहने का मतलब है वो कभी भी जिद नहीं करता था, लेकिन जब शादी की बात आती थी वो दुल्हन के लिए चूड़ी ले जाता था, तब वो अपने मुंह से उस चूड़ी का मूल्य मांगकर लोगों से लेता था। अगला देखिए पेज नंबर 7 पर। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर फूट जाता, कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यों ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, फिर इनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो रोज ही उसके वहाँ 2-4 आम खा लेता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था, लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, 1-2 महीने रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 दिन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी को एक दूर के शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैंने अपने मामा के गांव जा सका, तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, मतलब कम स्त्रियों के हाथों में ही लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा यानी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं, अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। हम यहाँ तक पढ़ा है हमने, आप इसकी रीडिंग एक बार आप वापस करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको आगे वाला चैप्टर बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।